नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। राजस्थान के नैनवा हिंडोली उपखंड पर कोलाहेड़ा पंचायत में बिना वर्क ऑर्डर के ही ठेकेदार ने दो घटिया टंकियों का निर्माण कार्य पूरा किया। वहीं से घटिया निर्माण से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। नैनवा उपखंड के कालाहेड़ा पंचायत में ठेकेदार ने मन मर्जी कर दो पानी की टंकियों का घटिया निर्माण कर आमजन की जान जोखिम में डालने का मामला सामने आया। बता दें कि नैनवा उपखंड के कालाहेड़ा पंचायत में ठेकेदार ने बिना किसी वर्क ऑर्डर के ही पंचायत के मालेड़ा गांव में दो घटिया टंकियों का निर्माण कर दिया। वहीं टंकियों के निर्माण में ठेकेदार द्वारा अपनी मन मर्जी से दोनों पानी की टंकियों में घटिया निर्माण सामग्री लगाकर निर्माण कर टंकियों में पानी भरना शुरू कर दिया, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं घटिया निर्माण की शिकायत के बाद कालाहेड़ा पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी ने ठेकेदार को निर्माण नहीं करने के लिए पाबंद किया और विकास अधिकारी नैनवा को लिखित में ठेकेदार और सरपंच पति द्वारा टंकियों का निर्माण कार्य जारी रखने की जानकारी पत्र के द्वारा दी गई, जिस पर पंचायत नैनवा समिति विकास अधिकारी ने पंचायत समिति के सहायक अभियंता से मामले की जाँच करवाई। वही सहायक अभियंता ने भी टंकियों के निर्माण को घटिया मानते हुए ग्राम पंचायत कोलाहेड़ा को टंकियों का निर्माण कार्य रोकने के लिए ठेकेदार को पाबंद करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन ठेकेदार ने घटिया निर्माण कार्य नहीं रोककर टंकियों का निर्माण पूरा कर दिया और घटिया निर्माण कर टंकियों में पानी भरना शुरू कर दिया, जिससे घटिया निर्माण की टंकियों से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं बिना वर्क ऑर्डर के घटिया निर्माण होने और जाँच में भी घटिया निर्माण पाया जाने पर फिर भी प्रशासन ने अब तक ठेकेदार के खिलाफ मन मर्जी से टंकियों का घटिया निर्माण कर आमजन की जान जोखिम में डालने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। संवाददाता गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जी, कुछ दिनों पहले ग्राम पंचायत कोलाहेड़ा में ट्यूबवेल टंकी निर्माण की शिकायत हुई थी ग्राम सरकारी माध्यम से, तो तत्कालीन समय में ओनली टंकी की शिकायत थी, तो इंजन साहब को मैंने निर्देशित किया था, वहाँ जाके अपने JTA के माध्यम साथ में मौका देखा था और उस पर जो भी कमियाँ पाई गई थी उसके संबंध में तत्काल वहीं पर ग्राम पंचायत चूँकि एजेंसी होती है तो उसको निर्देशित किया था त्वरित करने के लिए। उसके बाद आज आप लोगों के माध्यम से पता चला कि उस तरह का निर्माण भी हो गया है, वहाँ लोग पानी भी पी रहे हैं, तो अगर उसमें कोई अनियमितता हुई है तो निश्चित रूप से बताना चाहिए, ग्राम पंचायत की भी जिम्मेदारी होती है वो करें। सर, जैसे कि ग्राम पंचायत द्वारा बताया गया है कि इस काम का कोई वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, हाँ, जाँच किस चीज़ की गई? तो फिर ये ग्राम लिख के कैसे दिया? उन्होंने तो बताया था ना कि भाई यहाँ पर घटिया निर्माण हो रहा है, उसका जवाब वही दें। अगर वर्क ऑर्डर नहीं हुआ तो काम कैसे कर रहा था?